कहते हैं ईश्वर का दिया अल्प नहीं होता, जो बीच में छूट जाए वो संकल्प नहीं होता। घर के लक्ष्य को दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई लक्ष्य नहीं होता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, एक बार फिर स्वागत करते हैं शिवम ब्लॉग के चैनल पे। आप सभी का स्वागत है, आप हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज जिस चीज़ के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के जनरेशन में जिस प्रकार से बेरोजगारी लोगों में छाई हुई है, या ग्रामीण एरिया में देखा जाए तो काफ़ी लोगों को ऐसे रोज़गार नहीं मिल पाता, अच्छी खासी पैकेज नहीं मिल पाती है, जिसके कारण वह अपने आगे की, या कह लीजिए पढ़ाई, या फिर घूमना फिरना, अपने हिसाब से रहना खाना, इन सब चीज़ों का आनंद नहीं ले पाते हैं। तो मेन कारण होता है अनस्किल्ड जो भी लोग होते हैं, या अनप्रोफेशनल, या किसी गांव में होते हैं, तो ऐसे लोगों तक जो रोज़गार के कारण होते हैं, जो रोज़गार के साधन होते हैं, वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज जिस चीज़ के विषय में मैं चर्चा करने वाला हूँ वो टाटा की AIG कंपनी है, लाइफ सेक्टर में काम करती है। टाटा AIG से आप इसमें जुड़ के तकरीबन महीने का 60 हज़ार के बीच अर्न कर सकते हैं, ये आपकी फिक्स सैलरी होती है। इसके साथ अलग से आप इंसेंटिव भी कर सकते हैं, इंसेंटिव इनकम कर सकते हैं। टाटा की जो प्रोफाइल है, ये बेसिकली टीम लीडर की प्रोफाइल है। टीम लीडर मतलब आपको अपना टीम बना के ये सारे हैंडल करना होता है, और इसलिए इसके बदले टाटा आपको 45,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक भुगतान करती है। इसमें जो टाटा के प्रोडक्ट की बात करें, तो टाटा के जितने भी लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट होते हैं, इसमें बेसिकली आपको वही वर्क करना होता है। तो मैं आपको सिंपली तरीके से बता दूं कि आपको इसमें आप एक्सपीरियंस हैं, अनस्किल्ड हैं, या फिर कहीं आपने जॉब पहले से नहीं किया है, तो ऐसी कोई इशू नहीं है कि अगर आपने पहले कहीं जॉब नहीं किया है तो आपको यहाँ जॉब करने में दिक्कत होगी, या फिर परेशानी होगी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर आप अनप्रोफेशनल हैं, या फिर अनस्किल्ड हैं, या फिर फ्रेशर हैं, तब पर भी आप टाटा के लिए अप्लाई, आवेदन कर सकते हैं और टाटा को ज्वाइन कर सकते हैं। टाटा ज्वाइन करने का सबसे जो हमारा टाटा लाइफ का प्रोडक्ट प्लान है, वो आप एक दूसरे को हेल्पिंग प्लान की तरह सेल आउट कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं टैक्स वगैरह के लिए। तो आप दूसरों को हेल्प, जिनका एक होता है ना कि सोशल वर्कर नेचर हो, और सोशल वर्कर नेचर के साथ साथ थोड़ी अर्निंग हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा, और आप लोगों को टैक्स के लिए, बचत के लिए आप जागरूक करते जाइए, और अपनी पॉकेट गर्म करते जाइए। और इनकेस जितना लंबा आपका प्रोफाइल, जितना लंबा आपका टीम होगा, उतनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी। तो दोस्तों, इस चीज़ से कभी भी निराश मत होइएगा कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बेसिकली हम आपके लिए लाए हैं एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट, जिसमें आप अच्छा इनकम, अच्छा आय का स्रोत बना सकते हैं, और आगे चल के एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। और जो भी टाटा लाइफ को ज्वाइन करने चाहता है एज ए लीडर रूप में, एज ए सैलरी बेस पे, वो नीचे दिए गए कमेंट करें, अपना नंबर हमको कमेंट में करें,
और ये ऑल इंडिया में कहीं भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है कि सिर्फ इस स्टेट में ज्वाइनिंग हो सकता है या फिर अलग स्टेट अलग डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो। आप कहीं से भी हैं, किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी राज्य से हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। हमारे तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। और महीने का जैसा मैंने बताया, इसकी एक फिक्स सैलरी होती है 45,000 रुपये से 60,000 रुपये तक, तो वो आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। और आगे चल के जैसे जैसे आपका काम अच्छा ग्रोथ होता है, उस हिसाब से आपकी सैलरी भी ग्रोथ होती है, आपकी इनकम भी ग्रोथ होती है। और इसमें कई तरह से अलग फंड भी मिलते हैं, जैसे टूर्स एंड ट्रेवल्स के लिए हॉलीडे पैकेज मिलते हैं और कुछ रिवार्ड्स वगैरह मिलते हैं, तो ये आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो एक मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, लोग आजकल सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। तो जिन्होंने लाइफ में ABCD पढ़ा है, वो जिन्होंने ABCD पढ़ा है, वो लाइफ में सब कुछ कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, सोच का नज़रिया नहीं बदलेगा, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मिस होता है एटीट्यूड, यानी सोचने का तरीका बदल दो। वी मतलब होता है बिलीव, आपको अपने काम में बिलीव रखना पड़ेगा। सी मतलब कॉन्टीन्यूसली, यानी लगातार आपको अपने काम को लगातार फोकस करना पड़ेगा। डी मतलब आप ऐसे करके हर एक चीज़ का, जैसे अगर सपोज़ डेट की सारा चीज़ आप निकाल सकते हैं, सपोज़ डेट की अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो बिजनेस में लोग सफल भी होते हैं असफल भी होते हैं। और असफल किस लिए होते हैं, क्योंकि उनको जो वो बिजनेस फाने होते हैं, वो अपने बिजनेस में खुद ही बिलीव नहीं कर पाते हैं। जबकि बिजनेस, आप अगर आप कहीं भी बिजनेस लिखते हैं, तो पहला जो उसका बी अक्षर होता है, बिजनेस का मतलब ये होता है कि पहले जो आपको वी वर्ड है, वो आपको बिलीव, यानी उस बिजनेस के अनुसार आपको बिलीव करना होगा कि ये हमारा जो बिजनेस हम कर रहे हैं आगे चल के ग्रोथ देगा, आगे अच्छे सक्सेस होगा, सबसे लाइफ देगी। तो जब तक आप अपने बिजनेस में बिलीव नहीं रखेंगे, तब तक आप कोई काम में सफलता नहीं पाएंगे। मेरी गारंटी है, अगर आपका एजुकेशन मिनिमम हाई स्कूल हो या इंटर हो, ठीक है, तब पर भी आप BA MBA वालों को क्रॉस कर सकते हैं, उनसे हाई सैलरी पा सकते हैं। सिर्फ यहाँ से थोड़ा आप सोच बदलनी है। एक फार्मूला है, मनी इज़ टू टाइम इनटू स्किल, मनी इज़ टू टाइम इनटू स्किल, मनी इज़ टू टाइम इनटू स्किल, मतलब अगर प्रगति के बनाए हुए 24 घंटे को कोई फेल कर दे, तो वो अमीर इंसान बन सकता है। अगर एक व्यक्ति 24 घंटा काम करना शुरू कर दे, तो वो पैसे वाला बन सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, नामुमकिन। लेकिन अगर कोई बंदा किसी सिस्टम के माध्यम से उसी काम को पूरा करता है, तो वो सक्सेस होता है। इसका मतलब है कि जो प्रकृति के बनाया हुआ 24 घंटा, यानी जो प्रकृति के अनुसार बनाए हुए 24 घंटे हैं, अगर उसको आपने कन्वर्ट कर दिया, तो आप सक्सेस हो सकते हैं। एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, 3 इडियट्स में आपने देखा होगा कि 3 इडियट्स में आमिर खान ने बोला था कि कामयाब मत बन बेटा, कामयाब नहीं के पीछे मत भागो, कामयाब बनो। जिस दिन आप कामयाब बन जाओगे, कामयाबी तो झक मार के आपके पीछे आएगी। तो ये बात सही है, आप क्योंकि ये सारा चीज़ मैंने अपने ऊपर लिया है, मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, मैं खुद इस चीज़ को जानता हूँ। और मेरी क्वालिफिकेशन बहुत इतनी से है, अब मुझे लगता है कि पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन आज मेरी सैलरी इतनी है कि शायद BA MBA वाले भी उतनी ना पाते हो। तो ये कोई मेरे लिए
बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि सब कुछ यहाँ से होता है। माइंड का कचरा आप निकालिए और अच्छे से किसी चीज़ में लगिए, आगे चल के आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और तब तक के लिए हम नेक्स्ट ब्लॉक में आपको फिर मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक बने रहिएगा हमारे। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ज़रूर करें। इसी के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। धन्यवाद।